गुजरात से बड़ी खबर आ रही है। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस ऑफिस पर पथराव हुआ है। राहुल गांधी के हिंदू हिंसक वाले बयान पर जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं गुजरात के कांग्रेस ऑफिस की, अहमदाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस ऑफिस पर विरोध हुआ। गुजरात के अहमदाबाद से ये खबर, अहमदाबाद में कांग्रेस ऑफिस पर पथराव किया गया। राहुल के हिंदू हिंसक वाले बयान पर हंगामा हुआ। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस ऑफिस पर विरोध। गई काल देर रात पे 3 बजे के आसपास वीएचपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी प्रीमाइसिस में घुस गए। रात के अंधेरे में इसने हमारा पोस्टर फाड़ा, हमारे प्रीमाइसिस को नुकसान करने की कोशिश की। गैर कानून की तरीका है, इसने अपलोड भी किया वीडियो। पुलिस ने कुछ शिकायत दर्ज नहीं की, हमने लिखित में भी शिकायत दी, हमने वीडियो फुटेज के साथ सब सामने रखा। पहले इस बीच में 4 बजे हम पुलिस स्टेशन जिस विस्तार में राजीव गांधी हुआ वहाँ पर लिखित में शिकायत की। अभी तक FIR नहीं दर्ज हुई है। हम और बाद में हमने बताया कि 4:30 बजे वो फिर से आने वाले हैं। वो जिस तरीके से 4:30 बजे करीब यहाँ पर कांग्रेस के और अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन था इधर, तो इस बीच में किसी वजह से घटना स्टार्ट हुई। तो पत्थर कहाँ से आए इसकी जांच पुलिस अभी कर रही है। कुछ लोगों को डिटेन किया है, उनकी पूरी जानकारी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। सर, इंजरीज कितने लोगों को है और कितने लोगों को डिटेन किया? मेजर इंजरीज किसी को नहीं है सच, और थोड़ा छोटा मोटा इंजरी हुई है। ये सभी का अभी आकलन चल रहा है और इन अवाइल पूरी पुख्ता जानकारी मिल जाएगी। लेकिन सर, पुलिस मौजूद थी, उसके बावजूद ये कैसे संभव हो पाया? नहीं, पुलिस मौजूद थी और यहाँ पर ज़्यादा बनाव बन गया इतना, और कंट्रोल में जल्दी कर लिया गया, पुलिस बल मौजूद था इसलिए। जयेश सोनी अहमदाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जयेश, क्या जानकारी है, किस बात को लेकर यह विवाद हुआ, किस बात को लेकर पत्थरबाजी की गई कांग्रेस ऑफिस पर? पहले तो वीएसपी और बजरंग दल का कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस कार्यालय में घुसकर वहां पर पोस्टर फाड़े थे और राहुल गांधी के जो पोस्टर थे उसके ऊपर शाही लगाई थी। उसके बाद ये निश्चित था कि बीजेपी कार्यकर्ता आज शाम को कांग्रेस कार्यालय के बाहर में विरोध प्रदर्शन करेंगे राहुल गांधी के बयान को लेकर के। तो इसी को देखते हुए वहाँ पर भारी पुलिस बल भी वहाँ पर मौजूद था। इसी बीच कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा जूथ वहाँ आ पहुँचा और विरोध कर रहे जो बीजेपी कार्यकर्ता थे उसके साथ उन दोनों के आम कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और झड़प शुरू हो गई। एक दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, बताया जा रहा है कि कांच की बोतलें भी फेंकी गई। इस तरह से पूरा जो मामला है वो पूरा बिगड़ चुका था। पुलिस बल वहां पर मौजूद थी, फिर भी शुरुआत के तौर पर जो है कंट्रोल नहीं किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने आक्रोशित थे कि हाथों में डंडे और पत्थर लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के पीछे भागते हुए विजुअल्स में नजर आ रहे हैं। और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी कई कार्यकर्ता ऐसे थे जो पथराव कर रहे थे। तो दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई और हिंसा हुई। ये जो बयान था राहुल गांधी का अहिंसा वाला, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता भी यहाँ पर हिंसा करते हुए नजर आ रहे थे। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद पूरा मामला जो है वो कंट्रोल किया था। उसके बाद अभी स्थितियां शांत है। और ये कितने बजे की घटना है, कितने बजे ये पत्थरबाजी हुई थी कांग्रेस दफ्तर पर? ये आज शाम 4:30-5 बजे की घटना है और तकरीबन आधा पौना घंटा तक ये पूरा जो हिंसा का तांडव है वो वहां पर चलता रहा और पुलिस इसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश करती रही। बड़ी मशक्कत के बाद दूसरी पुलिस फोर्स बुलाने के बाद ही मामला कंट्रोल में हुआ था और उसके बाद पुलिस ने दोनों तरफ के कुछ कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया है। कुछ लोगों को चोट आई है, बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी भी इसमें बीच बचाव में जो कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलने में बीच बचाव कर रहा था उस पुलिसकर्मी को भी चोट आई है पत्थरबाजी से। तो ये पूरा जो वाकया है वो ये विरोध प्रदर्शन बीजेपी का निश्चित था, पहले से ही घोषित प्रदर्शन था कि सारे जगहों पर बीजेपी आज शाम को कांग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सामने कांग्रेस की तरफ से भी इस पूरी तैयारी कर रखी गई थी, डंडे और पत्थर लेकर के जो बीजेपी कार्यकर्ता थे उस पर
जो कि हमला करने का पूरा प्लान कर रखा था। तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो ऐसी तैयारी करके नहीं आए थे कि किसी प्रकार का हमला करना है, लेकिन जब सामने से हमला शुरू हो गया तो उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता ने भी जो रास्ते पर पत्थर पड़े थे वो पत्थर लेकर सामने मारना शुरू कर दिया। मतलब कि दोनों तरफ से हिंसा हुई। अब शुरुआत किसने की थी और इसमें किसका ज्यादा कसूर है वो तो पुलिस जांच में बाहर आएगा, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे उसी टाइम पर, जो कि एक पूरा संगठन।